हेलो एवरीवन, हाउ आर यू माय लिटिल फ्रेंड्स, छोटे छोटे नन्हे मुन्नू, आप कैसे हो? आप पढ़ाई तो करते हो ना, या सारा दिन छुट्टी में मस्ती करते हो? नहीं, मुझे पता है आप पढ़ाई भी करते हो। चलो थोड़ी सी पढ़ाई आज हम कर लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आपको मम्मा डांटती रहती है ना, स्पेलिंग लर्न करो, स्पेलिंग लर्न करो। फिर जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको स्पेलिंग तो अपने आप ही लर्न हो जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ए से जेड तक तो लर्न कर ही लिया है, अब इनकी साउंड हम हिंदी के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको इनको लिखना है और बोलना है। ऐसे ही बोलना तो स्पेलिंग एकदम से लर्न। ब क ड ए, ऐसे एग होता है ना, जैसे एग। फ ग ह ई ज क ल म न ओ प क्व र स त अ व व, ये स्मॉल ये बिग, व व कस य ज। अगर आप कहीं भी आपके देखिए ए लिखा हुआ है, एक हमने स्मॉल लिखा है, एक कैपिटल लिखा है, दोनों राइट के यहाँ पर, तो कहीं भी ए लिखा तो आप उसको कैसे रीड करेंगे? ए एन एंड एंट, ब बैट बॉल बस, क कार कप कैप, ड डॉग डोंकी डोल, ए एग एंजिन, फ फैन फ्रूट्स, ग गन ग्लास, ह हट हैट, ई ई की साउंड में आई भी बनता है इससे, जैसे आइसक्रीम, और जब ये ई होगा इग्लू, ज जग जैम, आपको अच्छा लगता है ना, क काइट कैंगरू, ल लायन लैम्प लैम, म मॉन्की मग मैट, न नेट नॉट नेस्ट, ओ ऑरेंज ऑक्स, प पैरट, पासे और क्या होता है, पेट, पेट एनिमल्स होते हैं ना, तो वो भी आप इसमें कोई भी कर सकते हैं, पोर्ट क्वीन क्वेट, र रोज रैबिट, स सन, और क्या होते हैं ऐसे, स्पून, ट टेन टाइगर, अ अम्ब्रेला अर्न, व वेलवेट, व वॉल वेल, क्स एक्सरे एक्समस्ट्री, या यान, ज जेब्रा जू। तो ऐसे इसको दो तीन बार आप अगर इसको पढ़ेंगे तो, और पेरेंट्स भी इस बात का ध्यान दें कि बच्चे जब स्पेलिंग रीड कर रहे हैं तो उन्हें इस बात पे फोकस करें कि अगर कोई वर्ड एम से शुरू हो रहा है तो उन्हें माँ बोलना है, कोई अगर ओ से शुरू हो रहा है तो उन्हें ओ की साउंड से उसको शुरू करना है, या बीच में है तो ओ करना है। ये सही है कि इसमें बहुत सारी और साउंड भी होती हैं, लेकिन ये बेसिक साउंड्स हैं।
पहले सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप ही शुरू करेंगे, तो पहले इसकी अच्छे से इन सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करवाएं, इनके साउंड्स की प्रैक्टिस करवाएं, तो बच्चों को स्पेलिंग्स को लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो जल्दी से लर्न कर लेंगे, कोई उनके माइंड पे कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं वोवल्स की। वोवल्स आप जानते हैं कि 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, टोटल 26 लेटर्स हैं और इन 26 लेटर्स में से 5 वोवल्स होते हैं। तो इन वोवल्स में आप जानते हो कि ये लेटर्स आते हैं ए ई आई ओ यू। वैसे तो इनके साउंड पे डिपेंड करता है, लेकिन केजी क्लासेस में हम उतना डीपली नहीं जाएंगे, हम केवल बेसिक इनको ही बताएंगे बच्चों को कि ए ई आई ओ यू ये वोवल्स हैं। अब एक इनकी पहचान करवाने के लिए आप ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों से, यहाँ भी मैं करवा रही हूँ, घर में भी आप प्रैक्टिस करवाइए कि मैंने यहाँ ये इतने सारे वर्ड्स राइट किए हैं, इनमें से आप बच्चों को प्रैक्टिस दीजिए कि वो वोवल को अंडरलाइन करें। जैसे एप्पल में ए है, ई है, फिर बैट है, बैट में ए है, फिर सन है, सन में यू है, फिर मैट है, मैट में ए है, होट में ओ है, कार में ए है, बेबी में ए है, ऑरेंज में ओ ए ई ये वोवल्स हैं, फॉक्स में ओ है, नेट में ई है, टेन में ई है, मग में यू है। तो आप इनकी इन्हें प्रैक्टिस दे सकते हैं। तो बच्चे खेल खेल में ही, फन में ही इसको आराम से जल्दी से इसको याद कर लेंगे, और आप जो बच्चों को चाहते हैं कि हाँ उन्हें याद हो जाए तो उन्हें याद भी हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पर कि हम वोवल ए, जैसे बच्चों को मैंने बताया कि लेटर्स लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कैसे बच्चे राइट करें, वर्ड्स को कैसे लिखें, उन्हें स्पेलिंग लर्न करने में बड़ी समस्या आती रहती है बच्चों को। तो देखो सबसे आसान तरीका है, आज मैं यहाँ पर वोवल ए को लेके चल रही हूँ। वोवल ए में हमने यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स बनाएंगे हम, कि बच्चे बड़े आराम से खेल खेल में बना सकते हैं, हम उनसे पूछ भी सकते हैं। जैसे जो जिनमें भी ए आएगा हमने वो वर्ड बनाने हैं। आपने अगर वो अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करवाई है तो आप उन्हें, जैसे पहले बैट, अब बैट आप बोल रहे हैं तो बा के लिए क्या आएगा, बी आएगा। अब बैट ए की साउंड थी इसकी, तो इसमें आपको इसलिए यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा इसमें ए, तो ए इसमें लगाने के लिए आपको ए लिखना होगा, क्योंकि हमने बताया है कि ए ए की साउंड ए होती है। बैट, अब एक मैं मानो लिखने में आपने हेल्प भी कर दिया, उसे कहिए कैट, तो कैट जिसमें ये एट वर्ड आएंगे ना, पहले उन्हीं की प्रैक्टिस कराइए आप। तो मान लीजिए कैट है, कै की हमने साउंड बच्चों को बताई थी सी होती है, तो सी ए टी कैट। अब इसके बाद आप कैट के बाद मैट, माँ की साउंड क्या बताई थी एम, तो ए टी तो बच्चा राइट कर ही लेगा ना, तो मैट अपने आप से उसे साउंड दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ माँ के लिए उसको एम लिखना है। अब फैट, तो फैट के लिए हमने बताया कि एफ होता है, तो वो एफ राइट करवाइए और ये फैट हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना बच्चे खुद भी वर्ड बना सकता है उससे बनवाते चले जाइए आप। मान लीजिए एच से हैट, तो ये एच ए टी हैट हो जाएगा। अब जितने भी आपको इसमें अल्फ़ाबेट में वर्ड याद आते जाते हैं वो आप उनसे सबसे बनवाते जाइए इसमें वर्ड, तो चाहे उसका कोई मीनिंग है या नहीं है वो आप छोड़ दीजिए, पहले तो साउंड की प्रैक्टिस आपको करवानी है। पैट बनवा सकते हैं आप, पैट। अब ऐसे ही आप बहुत सारे वर्ड्स कोई भी अपने आप बोल के आप उसमें कर सकते हैं। मान लीजिए ए साउंड में बैग से बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो बैग बा के लिए क्या लिखना है, बी लिखना है। एग के लिए ए जी बैग। अब नैग, एन ए जी नैग। टैग, टी ए जी टैग। हैग, एच ए जी हैग। तो ऐसी बच्चे को प्रैक्टिस होती चली जाएगी। रैग, आर ए जी
रैग मैग एम ए जी। पहले आप बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देना कि आप ये दिमाग में रखें कि बच्चा इसका मीनिंग बताए। ये एक फोनिक ड्रिल है, आप बच्चे के दिमाग में ये फीड कराना चाह रहे हैं कि कौन से साउंड होने पे उसे कौन सा लेटर लिखना है। ओके, तो आज के लिए इतने काफ़ी है। बच्चों के लिए अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस कराइए और ए साउंड वाले वर्ड्स उससे जितने बन सकते हैं उतने राइट करवाइए, सुनिए, पूछ लीजिए। कोई ज़रूर नहीं कि अरे भाई राइट करे, कुछ भी आप बोलते चले जाइए, लैट कैट मैट हैट पैट नेट कुछ भी बोलते चले जाइए और उसे कहिए कि वो स्पेलिंग आपको बताते चले जाएं। ओके, फिर अगली वीडियो में मैं आपको और वोवल्स के लिए और अच्छी प्रैक्टिसेस सिखाने के लिए दोबारा से आऊँगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।